ओके स्टूडेंट वेलकम टू स्टडी वी हमने अपनी आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड की लेक्चर सीरीज़ चालू करी थी जिसमें हम uh, सारे जितने भी इम्पोर्टेंट और जो इम्पोर्टेंट नहीं है और जिनकी एक्सपेक्टेशन है आने की जो प्रोविजंस हैं कोड में वो हम सारे कवर करेंगे आर से रिलेटेड ठीक है तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सपोजर uh, कंडीशंस को देखा था जो एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस होती हैं पाँच तरह की उनके बारे में देखा था इस लेक्चर में हम नॉमिनल मिक्स और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के बारे में सब कुछ देखेंगे ऑल अबाउट इट ओके सो हम स्टार्ट करते हैं तो आई कोड एस की टेबल नंबर टू पर अगर देखिएगा आप तो आपको मिलेगा कि जो कॉन्क्रीट है उसको आई एस फोर फाइव सिक्स ने थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट में डिवाइड किया है ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट में देन स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट में देन हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट में कोट कहता है कि जो ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट होंगे वो थ्री टाइप्स के होंगे ठीक है जो एम टेन एम फिफ्टीन एम ट्वेंटी होंगे ठीक है अब यहाँ पर एम क्या है और टेन क्या है एम मिक्स है और जो टेन फिफ्टीन ट्वेंटी जो टेन है फिफ्टीन है और ट्वेंटी है वो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ करेक्ट्रिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 हंड्रेड फिफ्टी एम एम क्यूब एट ट्वेंटी एट डेज स्ट्रेंथ ट्वेंटी एट डेज इन न्यूटन पर मीटर पर एम एम स्क्वायर होती है ठीक है नेक्स्ट वी हैव स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कंक्रीट आठ तरह के होते हैं एम पच्चीस से लेके एम सिक्सटी तक ठीक है ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी फिफ्टी फाइव और सिक्सटी ये सारे इंक्लूडेड होते हैं स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट में ठीक है उसी तरह है, इनकी जो नंबरिंग uh, है वो रिप्रेजेंट करती है करेक्टिव करैक्टिरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ओके नाउ नेक्स्ट इज हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इट इज डिवाइडेड इनटू फोर डेट इज फ्रॉम एम 65 टू एम 80 एंड दी नंबरिंग रिप्रेजेंट दी सेम ओके नाउ देयर आर सम पॉइंट्स गिवन इन द कोड � uh, first of all some points we will cover uh, in the note part that according to amendment 200 2013 standard concrete mix should have eight number of grade m25 to m60 initially it was seven From M25 to M55 hmm. मतलब कि uh, 2013 से पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे जो standard concrete है उसमें uh, सात तरह के uh, concrete थे मतलब कि uh, सात mix को इंक्लूड uh, किया गया था मतलब एम पच्चीस से एम पचपन तक ही था ठीक है बट 2013 में अमेंडमेंट करके इसमें एम सिक्सटी को भी जोड़ दिया गया है तो आप कंफ्यूज मत हो ना ठीक है ना आप क्वेश्चन जो आएगा वो नए के नए अमेंडमेंट के हिसाब से पूछा जाएगा तो आप याद रखना कि स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट में आप एट हो चुके हैं ना कि सेवन ठीक है ओके ना नेक्स्ट आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड रिकमेंड्स द मिनिमम ग्रेड एस एम ट्वेंटी फॉर रीन फोर्स कॉन्क्रीट मतलब कि आपको रिन्फोर्स कंक्रीट के लिए एम ट्वेंटी से नीचे ग्रेड uh, यूज नहीं करना है मिनिमम आपको एम ट्वेंटी यूज करना है ये अपना कोड कहता है आई एस फोर फाइव सिक्स ओके नेक्स्ट पॉइंट वी हैव फॉर फॉर ग्रेड एम फि फॉर ग्रेड ग्रेटर देन एम फिफ्टी फाइव डिजाइन पैरामीटर्स आर ऑप्टेन बाई स्पेसिफाइड लिटरेचर एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ओके okay. मतलब कि एम फिफ्टी फाइव से ऊपर अगर आप आ, ग्रेड ले रहे हैं तो जो उसके डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पर डिपेंड करते हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट नॉर्मली देयर इज ए गेन ऑफ स्ट्रेंथ बियॉन्ड ट्वेंटी एट डेज ये ऐसा होता है ठीक है ना ट्वेंटी एट डेज के बाद भी स्ट्रेंथ का इंक्रीमेंट होता रहता है बट अपन सेफ्टी पर्पज से ट्वेंटी एट डेज पे जो स्ट्रेंथ मिलती है उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग डिज़ाइन करते हैं ठीक है और उसी को अपन क्या मानते है? हैं एफ सी के मानते हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट वी हैव गेन ऑफ स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन ग्रेड एंड टाइप ऑफ सीमेंट क्योरिंग एंड द एनवायरमेंटल कंडीशन जो अपने को 28 डेज के बाद स्ट्रेंथ में जो गेन मिल रहा है वो मेनली ग्रेड ग्रेड अगर बढ़ाते जाओगे आप एंड टाइप ऑफ सीमेंट जो है है ना वो कैसा है आपका उस पर डिपेंड करता है साथ ही और क्योरिंग कंडीशन पर भी डिपेंड करता है क्योरिंग कंडीशन अगर आपकी अच्छी है ठीक है तो ग्रेड आपको जो है स्ट्रेंथ इंक्रीमेंट मिलेगा ठीक है एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे एनवायरमेंटल कैसी है कोस्टल एनवायरमेंट है कि नहीं है किस तरह का एनवायरमेंट है सॉल्टी एनवायरमेंट है कि नहीं है वहाँ पर क्या किस तरह की एयर चल रही है इस सब इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है ओके तो नेक्स्ट फॉर ग्रेड एम थर्टी एंड अब द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विद विथ एज बेस्ड ऑन एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन मतलब कि जो अपन कह रहे हैं कि यार ग्रेड में जो स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है है ना तो वो अगर एम थर्टी के अब ग्रेड के लिए अपन देखेंगे तो वो आप एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बेस के बेस पर ही बता पाएंगे कि किस तरह का इंक्रीमेंट हो रहा है ठीक है तो मिनिमम मतलब कि फॉर ग्रेड एट थर्टी एंड अवअप के लिए एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड होता है ओके ठीक है ओके नॉमिनल मिक्स अपना जो कोड है आई एस फोर फाइव सिक्स वो कहता है कि नॉमिनल मिक्स जो हैं वो एम ट्वेंटी तक ही परमिटेड होते हैं ठीक है अब नॉमिनल मिक्स होता क्या है जैसे कि आपने गांव वगैरह में देखा होगा ठीक है ना जब आपको कोई भी स्ट्रक्चर का टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर का आपको बिल्ड करना है बनाना है ठीक है तो आप क्या करते हो कि आ, न, मतलब कि आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते पहले कि यार इसका स्ट्रेंथ कितनी आएगी आपने जो पानी यूज़ कर रहे हो जो सीमेंट यूज़ कर रहे हो क्या वो डेचूरेटेड तो नहीं है सीमेंट ख़राब तो नहीं है वो सीमेंट है ख़राब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि खराब हो कि ना हो ठीक है ना आप क्या करते हो आपको एक रेशियो दे दिया जाता है सीमेंट का फाइन एग्रीगेट का और कोर्स एग्रीगेट का आपसे कहा जाता है कि इस रेशियो में आप इसको मिक्स कर दीजिए और बना लीजिए अपना कॉन्क्रीट ठीक है ना आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते वहाँ पर तो अब नॉमिनल मिक्स होता क्या है तो आपने क्या किया नॉमिनल मिक्स में आपने क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा है ना जो मटेरियल की क्वालिटी है उसका ध्यान नहीं रखा ठीक है अब मटेरियल की आप क्वालिटी ध्यान नहीं रख रहे हैं तो मतलब आपका वर्क इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब आप टेम्परेरी वर्क के लिए एक रेशियो जो कि स्पेसिफाई किया है ना कोड ने वो आप मान के चलते हो और अपना स्ट्रक्चर को बिल्ड कर लेते हो बट इसके अपोजिट होता है डिज़ाइन मिक्स ठीक है डिज़ाइन मिक्स में आप क्या करते हो क्वालिटी का भी ध्यान रखते हो एक्सपेरिमेंट बेस पे आप स्ट्रेंथ निकालते हो पहले कितनी आपकी स्ट्रेंथ आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर में उसको डिज़ाइन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो ओके तो वो डिज़ाइन मिक्स के बारे में अपन नेक्स्ट सीरीज़ में देखेंगे यहाँ पे अभी आप देखते हैं कि नॉमिनल मिक्स का जो रेशियो होता है वो होता कितना है जैसे एम के लिए रेशियो होता है वन रेशियो फाइव रेशियो टेन यहाँ पर जो वन होता है वो सीमेंट होता है फाइव जो होता है फाइन एग्रीगेट होता है जिसे अपन सेंड भी बोल सकते हैं और कोर्स एग्रीगेट होता है लास्ट uh, वाला जो मतलब यहाँ पे जो टेन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्स एग्रीगेट को रेशियो में ओके सिमिलरली एम सेवन पॉइंट फाइव के लिए वन रेशियो फोर रेशियो एट होगा एम टेन के लिए वन रेशियो थ्री रेशियो सिक्स होगा एम फिफ्टीन के लिए वन रेशियो टू रेशियो फोर होगा एम ट्वेंटी के लिए वन रेशियो वन पॉइंट फाइव रेशियो थ्री होगा तो ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में तो आप याद रखिएगा ओके अपन आगे बढ़ते हैं ओके मिनिमम ग्रेड जो यूज uh, होता है वो कितना ग्रेड यूज होता है जैसे आरसीसी वर्क के लिए आई एस फोर फाइव नाइनटीन सेवनटी एट कहता था कि आप मिनिमम एम फिफ्टीन यूज करिए ठीक है।, है तो आपको याद रखना कि ये नाइनटीन सेवनटी एट है बट अपना जो अभी करंट कोड है आई एस फोर फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड वो कहता है कि आप जो है एम ट्वेंटी ग्रेड को यूज़ करिए ठीक है मिनिमम आपको इतना यूज करना है और प्री टेंशनिंग के लिए जो होता है वो एम फोर्टी मिनिमम आपको यूज करना है पोस्ट टेंशनिंग के लिए एम थर्टी यूज करना है ठीक है तो इसको आप याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ओके अपन आगे बढ़ते हैं ओके तो कुछ अदर इंफॉर्मेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रेड्स होते हैं वो कहां कहां यूज होते हैं ये एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन uh, है कि एम फाउंडेशन में किस ग्रेड का यूज किया जाता है रिटेनिंग वॉल में आप किस ग्रेड का यूज़ करते हैं तो ये आपको याद रखना है ठीक है तो एम टेन का रेशियो अपने को पता है कितना होता है वन रेशियो थ्री रेशियो सिक्स ठीक है इसका आप मेनली यूज करते हैं लेवलिंग कोर्स के लिए ठीक है साथ ही बैडिंग ऑफ फुटिंग जो फुटिंग होती है उसकी आप अगर बेड बनाना है फुटिंग का तो आप क्या का यूज़ करेंगे एम टेन का यूज़ करेंगे नाउ नेक्स्ट वी हैव एम फिफ्टीन एम फिफ्टीन का रेशियो वन रेशियो टू रेशो फोर होता है पहली बात तो इसको आप फाउंडेशन में यूज़ करते हैं ठीक है ठीक है ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ करते हैं हम ठीक है ग्राउंड फ्लोर का अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप एम फिफ्टीन यूज़ करेंगे फाउंडेशन वर्क के लिए याद रखना मेनली एम फिफ्टीन का यूज़ किया जाता है फाउंडेशन वर्क में ओके नेक्स्ट वी हैव एम ट्वेंटी एम ट्वेंटी का जो रेशियो होता है वन रेशियो वन पॉइंट फाइव रेशियो थ्री होता है ठीक है इसका मेनली आप आर सी सी स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं जो अभी अपन ने पढ़ा कि यार अपने को आर सी सी स्ट्रक्चर में मिनिमम एम ट्वेंटी यूज करना ही है और नेक्स्ट वी हैव रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, रिटेनिंग वॉल वगैरह में या फिर जो सॉइल की रिटेनिंग वगैरह अपन करते हैं तो रिटेनिंग वॉल का जो कंस्ट्रक्शन uh, uh, करते हैं तो वो आपको एम ट्वेंटी से ही करना है ठीक है उससे मिनिमम उससे मिनिमम आप यूज नहीं कर सकते ओके सो दिस यू नीड टू इट ओके नेक्स्ट अब हमारा कोर्ट कहता है कि जो प्रपोशन ऑफ नॉमिनल मिक्स है आप नॉमिनल मिक्स तो बना रहे हो मैंने बता दिया कि चलो यार ये प्रपोशन प्रपोशन ले लो ठीक है बट किस मतलब कितनी क्वांटिटी ली जाती है ड्राई एग्रीगेट का कितना पानी मिक्स किया जाता है किस ग्रेड के लिए और क्या रेशियो होता है फाइन एग्रीगेट का और कोर्स एग्रीगेट का तो ये कोड आपको स्पेसिफाई करता है कोड बताता है आई ए एस कोर्ट टेबल नंबर नाइन में ये गिवन है कि आप कैसे और कितना क्या लीजिएगा ठीक है तो अपन इसको पढ़ते हैं ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जैसे कि मैंने बताया था कि जो अपना कोड है वो एम ट्वेंटी तक ही नॉमिनल मिक्स का करता है प्रेफर करता है ठीक है तो आप देखिएगा यहाँ पर जो एम फाइव है उसके लिए वो कहता है कि ड्राई एग्रीगेट पर फिफ्टी के जी ऑफ सीमेंट अगर आप पचास के जी सीमेंट ले रहे हैं ठीक है और एम फाइव का आपका ग्रेड है ठीक है तो आपको एट हंड्रेड के जी का ड्राई एग्रीगेट लेना है ठीक है फिर से समझिए कि अगर आप 50 के का सीमेंट ले रहे हैं और M5 का आपका ग्रेड है तो आपको 800 हंड्रेड का ड्राई एग्रीगेट लेना है ठीक है आपको ड्राई एग्रीगेट तो ले लिया ड्राई एग्रीगेट में दोनों मिक्स होंगे फाइन एग्रीगेट भी मिक्स होगा कोर्स एग्रीगेट भी मिक्स होगा अब आपको क्या करना है कोर्ट कहता है जनरली आपको वन रेशियो टू का फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो है वो वन रेशियो टू आपको लेना है ठीक है कोड ये भी बताता है कि आपको वाटर जो लेना है पानी लेना है पर फिफ्टी के सीमेंट मतलब पचास के का जो सीमेंट है उसमें आपको वाटर कितना लेना है एम के लिए एम फाइव ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए वो सिक्सटी लीटर्स लेना है वो बताता है कि सिक्सटी लीटर्स लेना है आपको ठीक है आपको ये बातें समझ में आई ओके कोड आगे एम सेवन पॉइंट फाइव के लिए भी बताता है कि आपको ड्राई एग्रीगेट सिक्स ट्वेंटी फाइव के लेना है पर फिफ्टी के ऑफ सीमेंट देन फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का रेशियो आपका वन रेशियो टू रहेगा और जो पानी है जो आपको पचास के जी सीमेंट पर लेना है वो फोर्टी फाइव लीटर लेना है सिमिलरली एम टेन के लिए जो है आपका डाइग्रेट फोर एट्टी रहेगा रहे सेम रेशियो रहेगा थर्टी फोर लीटर आपको पानी लेना है एम फिफ्टीन के लिए थ्री हंड्रेड थर्टी लेना है आपको के जी एग्रीगेट ये रेशियो सेम रहेगा ओके थर्टी टू लीटर आपको पानी लेना है पर फिफ्टी के जी ऑफ सीमेंट नेक्स्ट वी हैव एम ट्वेंटी इसके लिए टू फिफ्टी रहेगा ये वन रेशियो टू रहेगा और ये थर्टी लीटर रहेगा ओके नेक्स्ट सम पॉइंट कम फ्रॉम दिस टेबल और फ्रॉम द आई कोड डेट जो आप यहाँ पे फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का रेशियो ले रहे हो वो जनरली वन रेशियो टू होता है बट बट कोड कहता है कि जो अपर लिमिट हो सकती है इसकी वो हो सकती है वन रेशियो वन पॉइंट फाइव वन रेशियो टू क्या हो गया वन रेशियो टू तो आपकी जो लिमिट आपने ले रखी है जनरली और वन रेशियो टू पॉइंट फाइव आपकी क्या होती है लोअर लिमिट होती है ठीक है अब कोड यह भी बताता है कि जो वन रेशियो वन पॉइंट फाइव जो है रेशियो वो उसमें जो कोर्स एग्रीगेट ले रहे हो आप उसकी साइज़ कितनी होती है टेन एम एम होती है ठीक है वन रेशियो टू में कोर्स एग्रीगेट की साइज़ कितनी होती है ट्वेंटी एम एम होती है और वन रेशियो टू वन रेशियो टू पॉइंट फाइव में कोर्स एग्रीगेट की साइज कितनी होती है फोर्टी एम एम होती है यहाँ पे ये यह लिखा हुआ है ठीक है तो जैसे ही आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट की तरफ बढ़ रहे हो जैसे ही आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट की तरफ बढ़ रहे हो कोर्स एग्रीगेट की साइज बढ़ रही है पहला पॉइंट तो ये दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर फाइन एग्रीगेट लिया गया है ठीक है जो यहाँ पर फाइन एग्रीगेट लिया गया है तीनों केसेस में उसमें जो फाइन एग्रीगेट की ग्रेडिंग है मतलब जो सैंड यूज करी गई है वो जोन टू ग्रेडिंग की सैंड यूज करी गई है याद रखना ये कोड में

मतलब कि जैसे ही आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट की तरफ बढ़ेंगे तो जो फाइन एग्रीगेट की ग्रेडिंग है वो बिकम्स फाइनर हो रही है मतलब कि और फाइन होता जा रहा है फाइन एग्रीगेट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट बिकम्स लार्जर और हमने ये पढ़ा कि जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो अपर लिमिट से लोअर लिमिट की तरफ आपकी जो कोर्स एग्रीगेट की साइज़ है वो बढ़ती जा रही है ये सेकेंड पॉइंट में ठीक है जो मैंने पहले बोला था ये सेकेंड पॉइंट वही है ठीक है तो ओके सो फाइन थैंक यू फॉर दिस वीडियो Oke. Okay.